हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप को बताना चाहते हैं कि हम अपना 2 फीट का जो पुराना टैंक था, जो ऐसे ही रखा हुआ था, डॉक्टर टैंक बना कर रखे हुए थे, तो उसको अभी प्लांटेड टैंक बनाने के लिए हम यूज़ किए हैं। फाइटर फिश का लिए पार्टीशन करने जो लेके आए थे ग्लास, उसको कटिंग करके 4 इंच यहाँ और यहाँ से 6 इंच कटिंग कर दिए हैं, और कटिंग करके एक पॉट सा बना दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं दो टाइप का प्लांट मनी प्लांट लगाए हैं। इसको पानी में लगाने से ये नहीं मरता है। और लेके आए थे एकोरियम वाला प्लांट, 2-3 टाइप का, उसको लेके आए, 1 महीना तक रखे। रखने के बाद देख रहे कि उसको पत्ता झड़ जा रहा, टहनी गल जा रहा, तो ऐसे करके मर जाता है। तो उसके जगह पे हम ये लेके आए हैं, ये वाटर लेवल देखिए, इससे नीचे में है, नीचे तक रखे हैं क्योंकि इधर में पानी जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ में गोल्ड फिश रखे हुए हैं, देख सकते हैं 3 तो गोल्ड फिश है, 2 फीट का टैंक है, काफ़ी है। इसको 1 फीट के टैंक में रखे हुए थे काफ़ी दिन से, ये 1 साल से ज़्यादा रह चुका है लाइफ इसका। और गोली है, देख सकते हैं, इसको साफ़ करने में काफ़ी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें जो मच्छी को खाना देते हैं वो खाना बच जाता है, वो भी इसके अंदर चल जाता है, जो गंदगी करता है वो भी इसके अंदर चल जाता है, तो अमोनिया बिल्डअप नहीं होता है जिससे मछली बीमार नहीं होती है। और इसमें हम एक मिस्ट मेकर भी लगाए हुए हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको अमेजोन से मंगवाए थे तो सही टाइम तक आ गया था घर। देखिए, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लांटेला नर्सरी से लेकर आए,